धोनी की डांट पर रो पड़ा था ये भारतीय गेंदबाज, अब रचा इतिहास। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी एक बार फिर दीपक चाहर को लेकर चर्चित हो गए हैं। बता दे, 6 अप्रैल 2019 को आईपीएल अपने पूरे रोमांच पर था। आमने सामने थी चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स इलेवन पंजाब की टीमें। पंजाब की टीम को आखिरी दो ओवर में जीत के लिए 39 रन चाहिए थे। धोनी ने गेंद थमाई नई गेंद के साथ कमाल दिखाने वाले दीपक चाहर को। चाहर ने यॉर्कर गेंद डालने का प्रयास किया और इस प्रयास में गेंद हाई फुला टॉस रही। इस पर धोनी के ये बर्ताव दीपक की आंखों में आंसू भर दिया। बल्लेबाजी कर रहे सरफराज ने बला छुआते हुए इसे थर्ड मैन दिशा में चौके के लिए रवाना कर दिया। गेंद कमर से ऊपर फुल टॉस थी, ऐसे में अंपायर ने इसे नो बॉल करार दिया। चाहर की अगली गेंद भी ऐसी ही रही और एक बार फिर से अंपायर ने हाई फुल टॉस के चलते इसे नो बॉल करार दिया। इस गेंद से सरफराज ने दो रन दौड़कर भी बना लिए। लगातार दो गेंद हाई फुल टॉस और नो बॉल होने के बाद एक समय तो लगने लगा था कि कहीं दीपक चाहर भी आरसीबी के गेंदबाजी मोहम्मद सिराज वाली गलती न कर दें, क्योंकि सिराज ने ठीक एक दिन पहले केकेआर के खिलाफ ऐसी ही गलती थी जिसके बाद मैच पलट गया था और कोलकाता जीत गया था। दीपक चाहर की गलतियों से धोनी खफा हो गए। वे दौड़ते हुए गए और चाहर से प्लान के अनुसार गेंद डालने के कहा। वे जिस तरह से चाहर को कह रहे थे उससे ऐसा लग रहा था मानो वे उन्हें ज्यादा प्रयोग करने के बजाय सीधे गेंद डालने को कह रहे थे। धोनी जब सुनाने लगे तो चाहर का चेहरा उतर गया, आंखें डबडबाई हुई थी। धोनी के समझाने के बाद दीपक चाहर ने पूरा ओवर एकदम सटीक डाला। उनके इस ओवर से 13 रन गए, लेकिन इनमें से 8 रन तो पहली दोनों बॉल पर बने थे। धोनी के ज्ञान के बाद चाहर ने आखिरी गेंद पर खतरनाक बल्लेबाज डेविड मिलर को भी बोल्ड कर दिया। शायद धोनी की यही डांट दीपक चाहर के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। धोनी जैसे महान मार्गदर्शक की अगुवाई में आईपीएल के दौरान चाहर का खेल जमकर निखरा। बांग्लादेश के खिलाफ इस पेसर ने 3.2 ओवर्स में महज 7 रन देकर 6 खिलाड़ियों को पवेलियन लौटाया और एक समय बराबर पर नजर आ रही बांग्ला टाइगर्स को न सिर्फ मैच से बाहर किया बल्कि मैन ऑफ द मैच के साथ मैन ऑफ द सीरीज का खिताब भी अपने नाम किया।